विरासत टैक्स पर टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में रहने वाले लोगों को लेकर टिप्पणी की है। सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी एक साथ रहते हैं। यहाँ पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम भारत में रहने वाले अरब जैसे और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने टिप्पणी की। एक एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए सीएम हेमंत ने लिखा कि सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ और भारतीय जैसा दिखता हूँ। हम एक विविधतापूर्ण देश हैं, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सभी एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। इससे पहले सैम पित्रोदा ने विरासत कर की वकालत की और उन्होंने कहा था कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। ये एक दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था। भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस चाहती है कि आम लोगों की संपत्ति का बंटवारा किया जाए। बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक और सामाजिक सर्वे कराने की बात कही है।